हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्स एग्जाम के लिए जो है घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र टो के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जीएस के कवर कर रहे हैं कुल 75 प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा। ठीक है, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 10 कराएंगे। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, आपको बताना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है। कह रहे आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या वाराणसी में, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप जान लीजिए, 1957 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1957 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, ये आपको इधर वाला बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा, करें बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती। राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया। ठीक है, तो बलिया जो है आपका सबसे क्या है, पूर्वी है। ठीक है, और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पश्चिमी कौन सा है, शामली। ठीक है, पश्चिमी आपसे पूछ लिया जाए शामली। ठीक है, और दक्षिणी आप जानते ही होंगे सोनभद्र होता है। ठीक है, सोनभद्र है, और सोनभद्र, और भाई उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब कि ऐसी कौन सी फसल है जो बहुत कम समय में उत्पादन किया जाता है या हो जाती है। कह रहे चना, मसूर, अरहर या मूंग, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मूंग। ठीक है, ये जो है 2.5 से 3 माह में ये क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, उत्पादन इसका कर लिया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करें कि कर्मा महोबा से, धुरिया बुंदेलखंड से, धीवर कहार से या नटवरी पूर्वांचल का, बताइए कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए आपका धुरिया जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है, धीवर कहार से और नटवरी जो है पूर्वांचल से संबंधित, लेकिन आपका यहाँ जो है ये सब नित्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कर्मा जो है महोबा से नहीं है, ये फिर कहाँ से किससे संबंधित है, ये सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है नित्य। ठीक है, ये कहाँ से है, सोनभद्र से। ठीक है, आदिवासियों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ए मतलब कि आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका नहीं वाला बताना है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, कह रहे कि कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथक। ठीक, ये शास्त्रीय नृत्य है, कुल 8 हैं। ठीक है, भारत में, ठीक है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, भरतनाट्यम कहाँ है भैया, तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश, कैसे याद करेंगे, पुड़ी जो है आदिपकी है आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी पुड़ी आदिपकी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या वाराणसी में, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज में। शिलाधर जो है मृदा विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है, ये प्रयागराज में है। आइए देखते हैं अगला है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भाई यूपी का करंट है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बताइए तो ये कौन सी महिला है जो ये जो है ई रिक्शा चालक थी। ठीक है, ई रिक्शा चालक थी जिन्हें जो है ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा ये जो है प्रतिष्ठित अमल क्लूनी जो है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये कौन है भाई? तो ऑप्शन देखे यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आरती को दिया गया है, ठीक है, आरती को दिया गया है। ये जो है ई रिक्शा चालक है, ठीक है, ये बहराइच जिले की है। कहाँ की है? बहराइच जिले की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मई 2024 में इनको दिया गया है। आइए देखते हैं अगला है। मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि हवा से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम 2, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और यह जो है उड़ीसा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। यह जो है कैसा है भाई? रुद्रम 2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन चलित वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा जा रहा है अभी, अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली, देखिए पहली इंपॉर्टेंस हो जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये भी और भी अच्छा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो देखिए अप्रैल 4 अप्रैल को जो है यहाँ पे हुआ है, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, IIT बॉम्बे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए करें कि जून 2024 में क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखिए इसमें कई जो है लगातार करंट यहाँ रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार जो बीच में आपको करना तो आइए। तो यहाँ पे आपको बताना है, करें कि जून 2024 में क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये कहाँ की बनी है भाई? तो ये जो है मैक्सिको की बनी है। कहाँ की? मैक्सिको की। राइट आंसर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है? तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है कहाँ जो हुआ था यह खेल, जिसमें हुई है, ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में जो है महिलाओं की वर्ल्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर हासिल की थी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपा कर्माकर, ठीक है, इंपॉर्टेंस है भी। आइए यहाँ देखिए अब एक और ये करंट का, बस इसके बाद आपका प्रश्न अगला आएगा। करें कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कि 6, 11, 7, 13। देखिए कुल जो है पूरे देश में 74 महिलाएं जो हैं बनी हैं, ठीक है, जीती हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं, आप जो भी समझे। लेकिन जो आपसे पूछा गया है कि कितनी महिलाएं लोकसभा निर्वाचित हुई, तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, तो ये कितनी है? ये 7 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप खाली स्थान है होता है, क्या होता है? राइट आंसर आपको यहाँ पर फिल करना है। करें कि तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि या तापमान। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपको सब भी हो जाएगा, शीतलन होगा, ठीक। तो यहाँ भर देंगे शीतलन, ठीक है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है शीतलन होता है, ठीक है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं भाई, कहें कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? देखिए इस तरह से प्रश्न आपके पूछा भी गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि है। अगर आपसे पूछे रामचरितमानस की रचना किसने किया है, तो तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और भाई महाभारत की रचना किसने किया है? वेदव्यास, ठीक है, महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास ने। करें कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गवर्नर जनरल जो है, आप जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत के पहला जो है वायसराय भी थे, ठीक है। ये जो है 1858 से 1862 तक रहे, ठीक है, इनका कार्यकाल।
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में को स्थानांतरित कर दिया, किस अधिनियम के अनुसार? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉलर। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान, तो पाउंड किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। ठीक है, दिनार किसकी है, ये इराक की। ठीक है, और रुपया भारत का। सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद शीर्ष होते हैं, करें 6, 5, 3 या 4। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यानी कि ओणम, दशहरा, गणेश चतुर्थी या देव दीपावली। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देव दीपावली को। ठीक है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। कहें इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। करें भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है, तो ये कौन करता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए प्रश्न आपका आया हुआ था यूपीपी में, ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला है, भारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको स्पेस के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, तो ये किससे बनी हुई है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिलगित से। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो भारत में जो है प्रवाल द्वीप जो है, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी इत्यादि में जो है पाई जाती है। ठीक है, हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है, तो ये आपको बताना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका जो है हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप है। ठीक है, तो ये जो है, ये हीरे का उत्पादन जो यहाँ, तो किम्बरले, तो ये किम्बरले याद रखिएगा, किम्बरले जो है ये खान है। ठीक है, किम्बरले खान से ये निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ की ओरोपा खान है। ठीक है, यहाँ से ये जो है हीरे का उत्पादन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष से गठित किया गया था, ठीक है, ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। ठीक है, अब तक जो है ये 5 बार जो है इसकी परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में। ठीक है, देखिए 1952, 1963 में, 1973 में, 2002 में और 2020 में, अब तक 5 बार जो है इसका गठन किया जा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ है अभी, राइट आंसर हो जाएगा, करें वाराणसी, झांसी, फतेहपुर या लखनऊ। यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। ठीक है, लखनऊ। इसका गठन कब किया गया था, 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार हैं, काफी चर्चित रचना है भी, कौन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायसी। तो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाता है कि पद्मावत किस भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में, ये भी याद रखिएगा, अवधी भाषा में, ये आप ज़्यादा याद रखते हैं, लेकिन इसकी भाषा भी पूछता है,
तो नहीं याद रखते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी और कुछ रचना जैसे अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहारनामा है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, राइट आंसर देखिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ठीक है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कहाँ है, तो देखिए ये संबंधित किससे है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, तो किसी देश में या कहीं पर महामारी कुछ फैलती है तो ये ध्यान देती है, तो ये संस्था है काम करती है इसका स्वास्थ्य के लिए काम। तो देखिए जब आदमी बीमार हो जाता है काफ़ी संक्रामक होती है तो वो जानलेवा होती है, ऐसे याद रखना, जानलेवा जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कचितियु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये कचितियु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ये 1976 में इसको सौंपी थी, ठीक है, इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कह रहे हैं कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी स्पेस होता है, तो बताइए भाई किसी जिला के जो है भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है भाई, ये जो है जिला कलेक्टर होते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भू राजस्व संहिता 2006 धारा 12 के अनुसार जो है, धारा 12 के अनुसार जो है ये जिला कलेक्टर होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि या रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए ना हो, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए नंबर, बहुफसली हो सिंचित भूमि, ठीक है। आगे लग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संविधान के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है, असंवैधानिक बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं राज्य सूचना आयोग, राज्य लोक से देखिए राज्य लोक सेवा आयोग आता है, राज्य वित्त आयोग भी ये संवैधानिक है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है, अब नहीं वाला आपको बताना है तो ऑप्शन देखिए ए नंबर हो जाएगा, राज्य सूचना आयोग जो है भाई ये असंवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये 2005, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि स्पेस एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके, कहने का मतलब कि आप जिस प्रकार की सर्च करेंगे या जिस प्रकार की वीडियो देखेंगे वे जो है आपको कौन सा इसमें जासूस है जो आपको वो अल्टरनेट आपको वीडियो भेजेगा, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पाई वेयर है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था, किस सभा द्वारा, तो आप जानते भी, तो ये जो है संविधान की सभा की पहली बैठक आपसे पूछा जाता है तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक दिल्ली में, ठीक है, और जो है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो बताइए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये संविधान सभा, ठीक, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्पेस में बलात्श्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है, ठीक है, मतलब बलपूर्वक आप किसी से श्रम नहीं करा सकते हैं और उनको उनका अगर करते हैं तो पैसा भी आपको देना है, बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन अनुच्छेद है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 25 आप जानते हैं, इसमें जो है अनुच्छेद 25 में जो अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है, और 24 में क्या है भी? इसमें जो है कारखानों आदि में जो है बालकों का नियोजन प्रतिषेध है, ठीक है, और 22 में क्या है,
अनुच्छेद 22 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, अगला कहना कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के। तिलक, अब देखिए अब आपका देखिए जीएस खत्म हो गया, अब जो है हिंदी के प्रश्न आ गए। ठीक है, हिंदी के प्रश्न आपको करना है, तो हम लोग पूरा करेंगे 75 प्रश्न हिंदी और जीएस मिलाकर। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ये किस प्रकार का शब्द है भाई, करें कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, टीका। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, चतुष्पदी का तद्भव है, तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौपाई। आइए देखते हैं अगला, करें पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पाली भाषा जो है बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। ठीक है, और वहीं आपको जैन से पूछे तो प्राकृत, ठीक है प्राकृत, ये आपको ध्यान रखना है, जैन से कौन सी भाषा संबंधित है, प्राकृत भाषा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो बताइए भाई प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1955 में। ठीक है, 1955 में कौन थे भाई, तो बाल गंगाधर खेर, मतलब बीजी खेर, राइट आंसर डी आपका यहां सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम इनमें से किसने कहा, तो किसने कहा था भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है, विलोम बनाना है विकीर्ण का, तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए विकीर्ण माने फैलाना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 71। ठीक है, इसका विलोम, ठीक है यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विस्तार का विलोम क्या होगा, संक्षेप। ठीक है, संक्षेप, भीतर का विलोम बाहर, ठीक है, और वितरण का विलोम संग्रहण। इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है, आपको फल शब्द का अर्थ वाला नहीं बताना है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, तो ये देखिए संतान होता है, लाभ होता है, परिणाम होता है, लेकिन पंख जो है इसका नहीं होता फल का अर्थ। जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए नंबर, अनाक्रांत कहते हैं। ठीक है, तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अयोध्या किसे कहते हैं, जहां युद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द अयोध्या। ठीक है, और आक्रामक किसे कहते हैं भाई, आक्रमण करने वाला के लिए एक शब्द आक्रामक कहते हैं, और आक्रांता जिस पर आक्रमण हो सके, जिस पर आक्रमण हो के लिए एक शब्द क्या होगा, आक्रांता होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, सही वाक्य का चयन करना है, करें कि तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, या तुम इसके दाम देते जाओ, औ को देख लेते हो ऐसे गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, देखिए औ नहीं आएगा लास्ट में, ओ आएगा भाई, तो आप बताइए इन दोनों में कौन हो जाएगा, राइट आंसर देखिए तुम इसका नहीं होता, इसके दाम होता, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तुम इसके दाम देते जाओ सही हो जाएगा, बी नंबर। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का देखिए पुंजीभूत ज्योतिष ज्योतिस्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें, तो ये रेखांकित है, पुंजीभूत का शुद्ध वाला शब्द आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पुंजीभूत होगा। ठीक है,
अगला, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग वाला शब्द पहचानना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कासीदाकार यह पुल्लिंग है, पजामा पुल्लिंग है, घाघरा पुल्लिंग है, लेकिन जुर्राब जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है तुर्की भाषा का शब्द है जुर्राब, ठीक है। तो अच्छा, अच्छी रहा रही लगा के आपको पहचानना है उसको, स्त्री और पुल्लिंग शब्द। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए भाई, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, मेरी गोद में बिल्ली है, तो कारक संख्या आप जानते हैं 8 होती है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मैं आया है और पर किसका कारक चिन्ह है, तो ये आप जानते हैं अधिकरण कारक का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। सहर, देखिए, सहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, जिसके जैसा और हो, भाई सहर के जैसा और सहर होते हैं, तो वहां पे हमने बताया आपको जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए आपका यहां सही हो जाएगा, जिसके जैसा और हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका शहर जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसा कोई ना हो दुनिया में, व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। क्या भाई? जिसके जैसा कोई ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक में आपको समूह को व्यक्त करता है, कच्छा कुंज, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा जो है अदृश्य होती है, आप इसे नहीं देखते, ठीक है, जैसे पुराई। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो आपको ये बताना है, तो ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विशेष के अनुसार, ठीक है। करें कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया का, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो आपको ने बताया था ये, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाए तो कौन सी क्रिया होती है भाई? वहां प्रणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, तो इसमें कौन सा काल है, तो कौन सा भी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्ण वर्तमान काल। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य है? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा, कर्तृवाच्य। अगला देखते हैं भाई, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अव्यय को हमने आपको बता रखा है कि अव्यय जो है कैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये अविकारी शब्द होते हैं, और अव्यय चार प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये अविकारी होते हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, और इसका डिटेल मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट बनाए हैं, जो पहले आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये करिए, अगर आपको रिवाइज करना है तो उसमें हमने बहुत सारे सेट, जैसे अंकित भाटी सर का हो गया, एग्जामपुर के हो गए, यूथ कंपटीशन, घटना चक्र वॉल्यूम फर्स्ट, यूथ वॉल्यूम फर्स्ट का, ये सब करा दिए, तो उसके प्लेलिस्ट भी बनाए, वहाँ डिटेल में बताएं, ठीक है भाई। तो यहाँ आपको सिर्फ हमको क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कराना है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो देखिए, दास जो है मूल शब्द हो गया, त्व जो है प्रत्यय हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यय जानते हैं हम, मूल शब्द के बाद में लगते हैं। आइए देखते हैं अगला, पूजा में कौन सा प्रत्यय है बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे पूज आ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा आ। कहने की सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूर्य प्लस उदय, ठीक है, सूर्य प्लस उदय, छोटा आ और छोटा ओ मिलके ओ हो जाता है, जहां ओ का मात्रा हो और ए का मात्रा हो, तो वहां पे कौन सी संधि है, आपको हमने बताया उसमें गुण स्वर संधि होती है। बिहान, कहने की बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए, देखिए यहाँ पूर्ण विराम का लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा, प्रश्न कर रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की त्रुटि है, यहाँ प्रश्नवाचक लगेगा, ठीक है।
अगला है, कह रहे अपने सॉरी अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता है, कह रहे कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता है, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। तो ये कहावत का सही अर्थ बताना है आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, कौन सा है भाई? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, रति। ठीक है, रति जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भय भयानक रस का स्थायी भाव है, ठीक है। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। हास हास रस का स्थायी भाव है। रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि जो है के अनुसार रसों की संख्या 8 है। शांत रस को जो है सबसे बाद में आया और बोले कि भाई इसको हम नहीं मानेंगे रस, तो मतलब भरत मुनि जो है शांत रस को रस नहीं मानते हैं। और आपको शांत रस का अस्थायी भाव जरूर याद रखना है, उसका निर्वेद होता है, पूछा जाता है। कुंडलियां छंद किन दो छंदों के योग से बना है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए कुंडलियों में कुल 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, ठीक है। राइट बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए नंबर हो जाएगा दोहा और रोला का, ठीक है भाई, दोहा और रोला का, ठीक है ठीक है। तो इसमें 2 पंक्ति दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियां जो हैं रोला की होती हैं। तो पहले 2 किसके हैं? दोहा के, अंतिम 4 जो हैं रोला के, ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार का ये भेद यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। देखिए रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया के ग्रंथ के लेखक कौन है? केशवदास है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए रसिक प्रिया इनकी रचनाएं कवि प्रिया, छंदमाला, केशव द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। कबीरदास की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो देखिए इनकी भाषा कैसी थी कबीरदास की, ये सदुक्कड़ी थी, क्या थी भाई? सदुक्कड़ी थी। कुछ लोग का मानना है विद्वानों का कि इनकी पंचमेल खिचड़ी थी, ठीक है। करें गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढाई घर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है, गिरिराज किशोर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। कहें कि प्राकृत का पाणिनी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमचंद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ये जो हैं प्राकृत भाषा के प्रमुख क्या थे? विद्वान थे और व्याकरण 4 हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है द्वयाश्रय काव्य की रचना भी किया है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आगे आपका गद्यांश है, तो यहीं तक आपको हम करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।